वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरे दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही ना मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊँ, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को श्मशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने ही में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। धन्यवाद।